Quickly cutting across to listen in to DPCC Chief Arvinder Singh Lovely. केजरीवाल जी को देख के, इनकी हरकतों को देख के मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सर सिडनी टॉयलेट जो थे उन्होंने रीबर्थ ले लिया है हिंदुस्तान के अंदर केजरीवाल जी के रूप में, क्योंकि ऐसा तो केवल रॉयलेट एक्ट में था जब रॉयलेट एक्ट जलियांवाला बाग के बाद देश में लागू होने की बात हुई थी, तो सर सिडनी रॉयलेट के एक्ट में यह था कि सीधा किसी को घर चले जाओ, कोई वारंट की आवश्यकता नहीं है। और उस समय नारा आया था कि नो वकील, नो अपील, नो वकील, नो दलील। तो ये तो अंग्रेजों के टाइम पे सर रॉयलेट ने किया था, बाद में अंग्रेजों को भी शर्मिंदगी होने लगी थी उसकी, और रॉयलेट एक्ट जो है वो कांग्रेस के आंदोलन के टाइम पे वापस ले लिया था। तो मुझे लगता है कि ये दोबारा रॉयलेट एक्ट दिल्ली में लागू करना चाहते हैं, जिसके अंदर किसी को वारंट इश्यू करने की जरूरत नहीं है, किसी को अपील का अधिकार नहीं है, किसी को दलील का अधिकार नहीं है, किसी को वकील करने का अधिकार नहीं है। आप गवर्नमेंट के मंत्री जाएंगे और मौके के ऊपर फैसला सुनाएंगे। तो ऐसे तो लगता है कि ये इस तरीके की दिल्ली जो है बनाना चाहते हैं। यह महात्मा गांधी का देश है, उस महात्मा गांधी का देश है जिस महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका के अंदर धरने पर बैठ के रंग भेद की नीति के खिलाफ आवाज उठाई थी। उस महात्मा गांधी के देश के अंदर आप जो है रेसिस्ट रिमार्क करते हैं, आप इंटरनेशनल रिलेशंस पे जो है क्वेश्चन लगाने का काम जो है आप कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि वो ये कह रहे हैं कि खिड़की गांव के लोग बहुत खुश हैं। हो सकता है खुश हो ना खुश हो, हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहते, लेकिन कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है कि नहीं है इस देश में? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं वो टोटली इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, इनका तो कोई अधिकार पुलिस में नहीं है। जिन गृह मंत्री का अधिकार पुलिस के ऊपर है उसके बारे में भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज का यह मतलब नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज पुलिस के कार्यों को अपने हाथ में ले लें। उनका काम केवल एडमिनिस्ट्रेशन करने का है और पॉलिसी बनाने का है। और आप सब लोगों को याद होगा कि ये तो एक छोटी सी सिटी के लॉ मिनिस्टर हैं, इस देश के लॉ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा था फाइलें देखने के खाली कारण के कारण। तो फाइलें देखने का भी जो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन हो या जिसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हो उसकी फाइलें देखने का भी अधिकार मंत्री को नहीं है। और एक मंत्री जो है वो लोगों के घर में जाता है और लोगों के घर में जाके जो है वो पुलिस को आदेश दे रहा है कि यहाँ पे रेड डालो, उसको गिरफ्तार कराओ। कैसे संभव है ये लोकतंत्र के अंदर? लोकतंत्र में अंदर कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है कि नहीं है? और दूसरा, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि झूठ बोलने का, असत्य कहने की कोई समय, कोई सीमा होती है। सारी दुनिया को मालूम है कि जब डेनिश वुमेन का गैंग रेप दिल्ली के अंदर हुआ, हम लोगों ने इसी हॉल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें हमने कहा था कि केजरीवाल जी एक्ट करें, एक हफ्ते बाद जो है पुलिस कमिश्नर को मिलने की बात कर रहे हैं।